औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज फिर एक फरमाइश आई है, ये मैं पहले रेसिपी बना चुकी हूँ, मीठे पूरे जो हलवे के अंदर छोटे छोटे मिलते हैं, तो आज हम फिर से दोबारा उन्हें बनाएंगे। आइए बनाते हैं जी व्यूअर। ये देखें, एक कप सूजी, एक कप चीनी, एक कप मैदा, ये एक एक कप का हिसाब है, ठीक है जी। सबसे पहले हम चीनी लेंगे एक कप, ठीक है जी, और इसमें दो चम्मच भरकर सूजी के डालेंगे, ठीक है जी। अब इसमें जाएगा एक कप के करीब पानी। इसको हम इतनी देर मिक्स करेंगे जब तक ये चीनी हल ना हो जाए। सूजी और चीनी को आपने इकट्ठा ही करना है, इसका दाना जो है ना वो उससे सही कूड़ा बनता है, ठीक है जी। जी विवर, ये देखें चीनी और सूजी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें एक कप मैदा जाएगा, ठीक है जी, और इसको मैं मिक्स करके कम से कम 20 मिनट के लिए रख दूंगी, ठीक है जी, रेस्ट दूंगी इसको मैं। जी विवर, ये देखें ये इतना गाढ़ा होना चाहिए, ठीक है जी। जी विवर, ये देखें पहले मैंने तवे पे बनाए थे तो वो सही नहीं बनते, इसमें परफेक्ट बनते हैं। जो नए बच्चे और बच्चियाँ बनाना चाहते हैं वो इस तरह की कढ़ाही, ये 500-600 की आराम से बाजार में मिल जाती है बर्तनों वालों के पास, ये लोहे की कढ़ाई लेकर आए। हर चीज़ नॉनस्टिक में नहीं बनती। अब मैं, ये देखें हमारा बैटर तैयार है, अब मैं आपको ये बना कर दिखाती हूँ, ये देखें, ठीक है जी। आपने ऐसे एक डोंगे में ले लें और आराम से सेंटर में डाल लें, ये देखें, ये आपके पूड़े तैयार हो जाएंगे बहुत आसानी और परफेक्ट शेप में। जी विवर, ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी शेप आई है। अब मैं इसको बड़े आराम से पलटा दूंगी, ठीक है जी, ताकि दूसरी तरफ से भी पक जाए। ये देखें बहुत ज़बरदस्त पूड़े बने हैं। जी विवर, ये देखें ये हमारा एक पूड़ा दो तैयार हो गया। अब मैं बकाया तैयार करके आपको दिखाती हूँ। जी विवर, ये देखें ये मेरे मीठे पूड़े तैयार हैं। आपको छोटे चाहिए आप छोटे बनाएं, बड़े चाहिए बड़े बनाएं, तरीकाकार यही है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।